प्रातः दर्पण न्यूज के कार्यालय में आपने जानी मानी हस्तियों को देखा ही होगा। इन्हीं हस्तियों की सूची में अब ताज नगरी के पुलिस अधीक्षक नगर विकास कुमार का भी नाम शामिल हो गया है। जी हाँ, आगरा के पुलिस अधीक्षक विकास कुमार प्रातः दर्पण न्यूज के कार्यालय पहुँचे। आईपीएस अधिकारी का बुके देकर जोर शोर से स्वागत किया गया। आईपीएस अधिकारी के आगमन पर प्रातः दर्पण न्यूज की तरफ से उनके मस्तक पर तिलक लगाकर उनका स्वागत किया गया। इसके बाद विकास कुमार एसपी सिटी आगरा दर्पण न्यूज के कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने दर्पण न्यूज की टीम से मुलाकात की और उनके कार्यशैली को जाना। टीम से मिल एसपी सिटी बेहद खुश नजर आए। एसपी सिटी के आगमन पर दर्पण न्यूज कार्यालय की सज्जा देखते ही बन रही थी, जिसे देख विकास कुमार पुलिस अधीक्षक भी गदगद हो गए। इस दौरान न्यूज चैनल के डायरेक्टरों के साथ एसपी सिटी ने कुछ अहम बिंदुओं पर चर्चा भी की। इसके बाद ही स्टूडियो में आकर प्रातः दर्पण टीम के एग्जीक्यूटिव एडिटर भूपेश कालरा और आगरा के पुलिस अधीक्षक विकास कुमार का एक प्रोग्राम शूट हुआ। इस दौरान एसपी सिटी को मोमेंटो देकर सम्मानित भी किया गया। वही सम्मान और चर्चा के बाद एसपी सिटी के साथ पूरी टीम का एक ग्रुप फोटो लिया गया, जिससे दर्पण न्यूज में कार्यरत सभी लोग खासा खुश दिखे। सद रक्षरणाय खल निगरणाय, यानी साधु जनों की रक्षा करना और दुष्ट जनों पे निग्रह करना, यही होता है एक पुलिस का कार्य। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं भूपेश कालरा और आप देख रहे हैं प्रातः दर्पण न्यूज। आपको पता ही है कि हम कुछ ना कुछ खास शख्सियतों को अपने स्टूडियो लेके आते हैं, और उन खास शख्सियतों में आज बहुत ही खास शख्सियत हमारे साथ हैं। आज पुलिस अधीक्षक नगर यानी कि एसपी सिटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस आगरा श्री विकास कुमार जी आज हमारे साथ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। एसपी सिटी साहब, सबसे पहले तो हम सभी लोग, पूरा ऑफिस का स्टाफ आपको बहुत धन्यवाद देता है कि आप अपने इतने बिजी शेड्यूल से आज हमारे ऑफिस में आए हैं, आज हमारे कार्यालय आए और हमारे स्टूडियो आए हैं। सर, एक आईपीएस की जिंदगी, इंडियन पुलिस सर्विस जब कोई पास करता है, उसकी एक जिंदगी कैसी होती है, वो जर्नी पहले की कैसी होती है और बाद की कैसी होती है, सर हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। जी, आईपीएस बनने के लिए एग्जाम पास करना पड़ता है, जो सिविल सर्विसेज एग्जाम कहा जाता है, एग्जामिनेशन। उसके बाद विभिन्न सेवाओं में लोगों का चयन होता है, उसमें भारतीय पुलिस सेवा भी एक सेवा है जिसमें लोगों का चयन होता है। जी, इस सेवा में आने के पूर्व जो हमारे फैसले होते हैं वो सिर्फ हमें अफेक्ट करते हैं, लेकिन इस सेवा में आने के बाद जो हम फैसले लेते हैं वो हमारे कार्य क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों को अफेक्ट करते हैं। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारे ऊपर कि हम पूरे सोच समझ के वो सभी बातों को ध्यान में रखते हुए कोई भी फैसला लें। इसके पहले का जो ज़िंदगी होता है वो ऐसा होता है जिसमें कि आप स्वतंत्र होते हैं कुछ करने के लिए, लेकिन यहाँ पर आपके ऊपर दायित्व होते हैं और आपको हमेशा सोच विचार करके फैसला लेना पड़ता है। ऐसा इतना सोचना पड़ता है कि जो आप फैसला ले रहे हैं कैसे लोगों को अफेक्ट करें। जी सर, सबसे बड़ी बात, कई बार लोग ये सोचते हैं अगर कार्य हुआ नहीं हुआ वो एक ही बात कहते हैं कि पुलिस ने ऐसा नहीं किया, पुलिस ने वैसा नहीं किया, जबकि पुलिस 24/7 कार्य करती है। उसके पीछे कितना प्रेशर होता है, चाहे हम वो फिजिकली बात करें चाहे हम वो मेंटली बात करें, कितना प्रेशर होता है। और साथ साथ अगर हम एक बात करें दर्शकों, हम वो बात भूल जाते हैं, लेकिन फैमिली का प्रेशर, क्योंकि एक पुलिस अधिकारी वो घर का किसी का बेटा भी है, किसी का पति भी है, किसी का पिता भी है, तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है सर। तो कहीं ना कहीं इस बारे में आप क्या कहेंगे? जी, पुलिस वाले के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और पुलिस का कार्य 24/7 का होता है। कभी कोई घटना हो जाए तो हमें तत्काल उस पर रिएक्ट करना पड़ता है। वी आर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर, तो हमें उस मुताबिक कार्य करना पड़ता है। और जैसा आप सभी का अपना फैमिली होता है, वैसे हमारी भी अपनी फैमिली होती है। जी, हमें अपने फैमिली लाइफ को भी देखना होता है, तो दोनों जिम्मेदारियाँ हम लोग के ऊपर होती हैं। और जैसे त्योहारों में आप तो छुट्टी मनाते हैं, लेकिन हमारे त्यौहार कभी होते नहीं हैं। हम त्योहारों में अपने सिटी के, अपने जिस जगह पे पोस्टेड हैं वहाँ उन आम जनों की रक्षा में हमेशा डिप्लॉयड रहते हैं। सर, हम लोग जो सिविल लोग होते हैं, हम लोग सिविल सिटीजन से कहते हैं, हम शहरी लोग होते हैं या गाँव के लोग या जो भी हैं, हम लोग बस अपने त्यौहार भी मनाते हैं, हंसी खुशी भी रहते हैं, लेकिन आप लोगों के पीछे इतनी बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं, उसके बावजूद भी लोग जब ये कह देते हैं कि ये कार्य अच्छा नहीं हुआ, ये कार्य नहीं किया, पुलिस ने ये नहीं किया, पुलिस तो ऐसा कर रही है,
तो उस चीज को झेलना भी और साथ साथ रिस्पॉन्ड भी करना एट द राइट टाइम और लोगों की समस्याओं को सुलझाना भी एक बहुत बड़ा प्रेशर मेंटली भी रहता होगा सर। जी, ये एक मतलब हमारा जॉब ऐसा है कि जिसमें हम ऑन टोज रहते हैं, लेकिन हम लोग ट्रेनिंग के माध्यम से या फिर इस कार्यशैली में निपुण हो जाते हैं कि हम लोग सभी तरह के प्रेशर को अच्छे से हैंडल कर पाते हैं और उन प्रेशर्स के बावजूद हम लोग अपना बेस्ट देने का प्रयास करते हैं और बेस्ट देते भी हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात तो लाजमी है कि आप लोगों की ट्रेनिंग में आपको लोगों को इस तरह सिखाया जाता होगा, चाहे वो फिजिकल ट्रेनिंग हो या मेंटल ट्रेनिंग हो, कि आप लोगों को कैसे स्ट्रांग बनना है और डिसीजंस भी आप लोगों को किस तरह से लेने हैं। सर, कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि जब आप इतना कार्य कर रहे हैं तो परिवार को समय नहीं दे पाते, तो उस समय परिवार तो कोई ना कोई शिकायत करता ही होगा। जी, वो जैसे आप सभी का परिवार शिकायत करता है, वैसे हमारा भी परिवार शिकायत करता है। सर, क्या अगर हम बात करें, थोड़ा पीछे जाएं, क्या शुरू से आपका एक सपना था IPS बनने का? जी सर। जी, सिविल सर्विस करने का मेरा सपना था, मैंने उसके लिए प्रयास किया जी और मैं सफल हुआ और मुझे भारतीय पुलिस सेवा मिली। और इस सेवा में आने के बाद मैं बहुत ही गौरवान्वित महसूस करता हूँ और बहुत ही जॉब सेटिस्फैक्शन है, क्योंकि यहाँ पे मैं लोगों का मदद दिन रात कर पाता हूँ। एक छोटे से कॉल पे अगर मैं रिस्पॉन्ड करके किसी का कोई दुख में व्यक्ति है उसकी मदद कर पाता हूँ, तो ये मुझे बहुत ही सुकून देता है। सर, कई बार ऐसा होता है, हम लोगों का जॉब ऐसा होता है, कई बार हम लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं बहुत जल्दी और अपना एंगर बस्ट आउट कर देते हैं, गुस्सा निकाल देते हैं अपने सबऑर्डिनेट्स पे या किसी और पे या जो हमसे नीचे है, तो कई बार ये स्थितियाँ आपके साथ हमेशा बनती रहती होंगी, तो वो उस गुस्से को कैसे आप लोग कंट्रोल करते हैं? क्या ये भी ट्रेनिंग का पार्ट होता है या कहीं ना कहीं तो बस्ट आउट होता होगा सर गुस्सा? जी, हमारा जॉब प्रोफाइल ऐसा है कि ये सब चीज़ थोड़ा माउंट अप होते रहता है, लेकिन हम लोग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जैसे कभी कुछ खेल लेते हैं, म्यूज़िक सुनना, इन सब चीज़ों से हम लोग अपने आप को रेजुवनेट करते रहते हैं और हमेशा ये प्रयास करते हैं कि जो आप बता रहे हैं गुस्सा, वो बिल्डअप ना हो और किसी भी तरह से निकले ना, हम कार्य को सही तरीके से कर पाएं और जो कुछ भी ऐसी नेगेटिविटी है उसको एक पॉजिटिव डायरेक्शन में, जैसे किसी खेल कूद में, उसको निकाल पाएं। सर, आप आगरा आए, आगरा में जो आपने अभी समय में देखा है, यहाँ बहुत सी ऐसी समस्याएं भी हैं, जाम की समस्या भी अगर हम कहें या बहुत सी बातें हैं उस पर कार्य चल रहा है, लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे? सारे लोग आपको, दर्शक देख रहे हैं, क्या, क्योंकि कुछ ना कुछ ड्यूटीज हम लोगों की भी होती हैं, तो क्या एक संदेश देना चाहेंगे सर? ट्रैफिक प्रॉब्लम्स के लिए मैं आप सभी, आपके माध्यम से, आपके इस चैनल के माध्यम से लोगों से अपील करना चाहूँगा कि जो ट्रैफिक की समस्या है, इसके सभी स्टेक होल्डर्स हैं, सिर्फ पुलिस इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। आम जन जो सड़क पे गाड़ी लेके निकलते हैं वो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उनको जिम्मेदार ड्राइवर बनना चाहिए, अपनी गाड़ी को कभी भी सड़क पर पार्क नहीं करना चाहिए, जो ट्रैफिक के नियम है उनका पालन करना चाहिए, सीट बेल्ट हमेशा पहनना चाहिए। अगर आप लोग इन सब नियमों का पालन करेंगे तो जाम की समस्या से काफ़ी हद तक निजात पाया जा सकता है और उसके अलावा बाकी जो भी प्रॉब्लम होगा उसको शासन और प्रशासन के लेवल पे हम लोग हाईलाइट कर उसको भी दूर कराने का प्रयास कर सकते हैं। सर, कहते हैं पुलिस को फ्रेंडली बनने के लिए कई बार कहा जाता है, ऊपर से भी कहा जाता है कि पुलिस फ्रेंडली बने, लेकिन लोगों के मन में एक इल्यूजन है, एक भ्रम है कि हम पुलिस थाने में कोई भी कंप्लेंट है तो उसके जाने में लोग डरते हैं, तो ऐसा क्या स्टेप आप उठा रहे हैं कि पुलिस एक फ्रेंडली, उसका जो एक सामने चेहरा है वो पुलिस फ्रेंडली रहे, ऐसा ना हो कि लोग जो डरते हैं आज भी वो डरे नहीं? जी, हम लोग का ये दायित्व है कि हम लोगों के मन में पुलिस के प्रति भय न रखें और हम लोग एक ऐसा माहौल पैदा कर पाएं जहाँ पे लोग पुलिस को फ्रेंडली समझें, पुलिस को अपना मानें। और इसके लिए बहुत से कदम सरकार के द्वारा उठाए गए हैं, जिसके माध्यम से जैसे कि मिशन शक्ति, आप थाने पर कभी भी आते हैं तो आपको एक ऐसा माहौल मिले जिसमें आप अपनी बात को बेहिचक कह पाएँ और आपकी बातों को सुना जा सके, ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है। और मैं सभी शहरवासियों को अपील करता हूं कि आप थाने पर बेहिचक जाएं और अपने कंप्लेन को लिखवाएं, हम उसे तुरंत दर्ज कर उस पर कार्रवाई करेंगे। दर्शकों, कहीं ना कहीं खौफ तो ज़रूरी है पुलिस का, अगर खौफ नहीं होगा तो इंसान डरेगा नहीं, लेकिन शरीफ आदमी को, यानी कि जो शराफत से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, उनको खौफ नहीं होना चाहिए, यही सर बता रहे हैं। सर, बहुत ही जल्दी बहुत अच्छे गुड वर्क्स भी हुए हैं, बहुत ही जल्दी दर्पण भी एक अवार्ड्स लेके आ रहा है, जो पुलिस वाले अच्छा कार्य कर रहे हैं, अपने जीवन को झोंकते हैं हम लोगों के लिए, तो बहुत जल्दी हम वो अवार्ड्स भी करेंगे सर, जो अच्छा पुलिसिंग काम कर रही है उनके लिए। सर, चलते चलते एक हमारे यंगस्टर या जितने लोग देख रहे हैं एक संदेश। आप सभी आगरा वासियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैंने जो 3 महीना में महसूस किया है कि सभी लोग यहाँ बहुत अच्छे हैं और बहुत कोऑपरेट करते हैं, सभी लोग लॉ अबाइडिंग हैं,
लेकिन साथ में आप लोगों से एक निवेदन भी है कि आप लोग लॉ अबाइडिंग है, लेकिन कोई भी ऐसी सूचना हो जहाँ पे आपको ऐसा दिखता हो कि लोग कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, तो वो सूचना भी आपको पुलिस को सूचित करने की आपकी जिम्मेदारी है। आप उसे हमें सूचित करें, हम उस पर त्वरित कार्यवाही करेंगे। और साथ में आप सभी से ट्रैफिक के लिए भी मैं अनुरोध करूँगा कि आप सभी ट्रैफिक नियमों का पालन करें। थैंक यू सर। आज आप हमारे स्टूडियो आए, और दर्शकों मैं बता दूं, एक आईपीएस अधिकारी की ज़िंदगी 24/7 घूमती रहती है, जैसे हम मीडिया की घूमती है। बावजूद इसके भी सर अपना बेशकीमती समय निकाल के आए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू।